नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक और आपको बताना चाहता हूं कि कल लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले के बाद हेनरिक क्लासेन की को फाइन मिला है। 10% उनकी मैच फीस जो है वो कट गई है फाइन के रूप में। और रीजन ये है कि उन्होंने अंपायर का जो डिसीजन है उसे ओपनली क्रिटिसाइज किया पोस्ट मैच इंटरव्यू में। और जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बोला कि क्राउड क्राउड और अंपायर जिस तरह से आज हमारे जिस तरह से अंपायर से डिसीजन दिए हैं हमारे खिलाफ, वो बहुत ज्यादा बहुत ही उन्होंने बहुत उसकी आलोचना की है। और आईपीएल के रूल्स एंड रेगुलेशंस और आईपीएल की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से आप अंपायर के डिसीजंस को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। और यही वजह थी कि हेनरिक क्लासेन की 10% मैच फीस कट गई है फाइन के रूप में। आपको बता दें कि कल का जो मुकाबला था वो लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 विकेट से जीता। वहां पर बहुत ही शानदार पारी हमें देखने को मिली निकलस पूरन, मार्कस स्टॉइन्स और प्रेरक मानकड़ से, और 7 विकेट से वो मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता। 182 रन बनाए थे 20 ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद ने, और उसके जवाब में 19.2 ओवर में 4 बॉल रहते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने टारगेट चेस कर लिया। बहुत तेज इनिंग्स वहां पर हमें निकलस पूरन से देखने को मिली। वहीं हेनरिक क्लासेन ने भी हैदराबाद की तरफ से अच्छी पारी खेली थी, 47 रन बनाए थे। और कुछ डिसीजंस मेरे हिसाब से बिल्कुल वहां पर थे थोड़े कंट्रोवर्शियल, जैसे एक अब्दुल समाद को जो बॉल फेंकी गई थी जो कि बिल्कुल दिख रहा था कि वो कमर के ऊपर वो बॉल गई है, जो नो बॉल होनी चाहिए थी लेकिन उसे नो बॉल नहीं करार दिया गया। तो कुछ ना कुछ डिसीजंस कल मैं मानता हूं कि अंपायर के तरफ से जो डिसीजन आए थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब थोड़े से शक के घेरे, आलोचना के घेरे में बिल्कुल आने चाहिए थे। और हेनरिक क्लासेन की ये जो मैच फीस कटी है यहाँ पर, मैं ठीक है आपके कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं अग्री करता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी को कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आलोचना होनी चाहिए अगर अंपायर्स भी खराब डिसीजन देते हैं। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से क्या कल के जो मैच में जो डिसीजंस दिए गए थे अंपायर द्वारा वो सही थे या नहीं थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।